मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम करेंगे कक्षा फर्स्ट, सब्जेक्ट हमारा रहेगा ईवीएस। लेसन करेंगे सेकंड, लेसन का नाम है संजीव तथा निर्जीव वस्तुएं। उसके हमने तीन प्रश्न पहले कर लिए थे, अब हम करेंगे सत्य और असत्य से शुरू। सत्य कथन के लिए स तथा असत्य कथन के लिए अ लगाना है, मतलब जो कथन सही है उसके लिए हम स लगाएंगे और जो लाइन लिखी गई है वो अगर गलत है तो उसके लिए अ लगाएंगे, मतलब असत्य। तो पहला हम करते हैं, निर्जीव वस्तुएं अपने जैसे जीवों को उत्पन्न करती हैं। निर्जीव वस्तुएं क्या अपने जैसे जीवों को उत्पन्न करती हैं? क्या वो प्रजनन करती हैं निर्जीव वस्तुएं? ये असत्य है, क्योंकि निर्जीव वस्तुएं प्रजनन नहीं करती। दूसरा है, कार एक संजीव वस्तु है। क्या कार एक संजीव वस्तु है? संजीव वस्तु कार क्या सांस ले सकती है या कार क्या भोजन करती है? ये असत्य है, कार एक संजीव वस्तु नहीं है, वो निर्जीव वस्तु है, वो मानव निर्मित वस्तु है। तीसरा है, संजीव वस्तुएं भोजन करती हैं। संजीव वस्तुएं क्या भोजन करती हैं? जी हाँ, संजीव वस्तुएं भोजन करती हैं। संजीव वस्तुएं कौन सी होती हैं? जैसे मानव, गाय, बिल्ली, भेड़, बकरियाँ, ये है संजीव वस्तुएं, तो वो बिल्कुल भोजन करती हैं और ये कथन बिल्कुल ही सत्य है। नंबर चार, पर्वत एक प्राकृतिक वस्तु है। पर्वत, पहाड़, नदियाँ, ये क्या प्राकृतिक वस्तु है? जी बिल्कुल है, ये तो ये क्या है, बिल्कुल ही सत्य है। इसमें हम लगाएंगे स, क्योंकि पर्वत एक प्राकृतिक वस्तु है। नंबर पाँच, कुआ मानव निर्मित वस्तु है। क्या कुआ मानव निर्मित वस्तु है? बिल्कुल है, कुआ मानव निर्मित वस्तु ही है। ये हुए हमारे प्रश्न पाँच। पहला, निर्जीव वस्तुएं अपने जैसे जीव को उत्पन्न करती हैं, ये कथन असत्य है। दूसरा, कार एक संजीव वस्तु है, ये भी असत्य है। तीसरा, संजीव वस्तुएं भोजन करती हैं, ये बिल्कुल सत्य है। पर्वत एक प्राकृतिक वस्तु है, ये भी सत्य है। नंबर पाँच, कुआं मानव निर्मित वस्तु है, ये भी सत्य है। अब हम करेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं, तो वो मैं आपको बोल के बताऊंगी और होमवर्क के लिए आपको पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। पहला प्रश्न है, संजीव वस्तुओं के कोई दो लक्षण लिखिए। संजीव वस्तुओं के दो लक्षण लिखने हैं। पहला हम लिखेंगे, संजीव वस्तुएं गति कर सकती हैं, और दूसरा क्या लिखेंगे, संजीव वस्तुएं श्वास ले सकती हैं, वो सांस ले सकती हैं संजीव वस्तुएं। वैसे तो बहुत सारे हैं कि वो भोजन भी करती हैं, वो सांस भी लेती हैं, वो गति भी कर सकती हैं, लेकिन हमें यहाँ सिर्फ दो पूछे गए हैं, तो हम लिखेंगे, एक लिखेंगे कि वो गति कर सकती हैं, नंबर दो वो सांस ले सकती हैं। दूसरा प्रश्न, प्राकृतिक वस्तुएं क्या होती हैं? इसका उत्तर हम देंगे, वह वस्तुएं जो मानव द्वारा निर्मित नहीं होती, वे क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक वस्तुएं कहलाती हैं, जो मानव द्वारा निर्मित नहीं होती, जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती है, जैसे नदी, पहाड़, पर्वत, ये है प्राकृतिक वस्तुएं। नंबर तीन, कृत्रिम वस्तुएं क्या होती हैं? यह मानव द्वारा बनाई जाने वाली वस्तुएं होती हैं, जिसे कृत्रिम वस्तु या मानव निर्मित वस्तु भी कहते हैं। नंबर चार, किन्हीं दो मानव निर्मित वस्तुओं के नाम लिखिए। मानव निर्मित मतलब जो मानव बनाता है, उनके वस्तुओं, दो वस्तुओं के हमें नाम लिखने हैं जो मानव द्वारा निर्मित है, जो मानव द्वारा बनाई गई है। इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे वस्त्र है, फर्नीचर है, कार है, मोटरसाइकिल है, मोबाइल है, पंखा है, ये सब क्या है, ये मानव द्वारा निर्मित ही है, लेकिन हमें यहाँ सिर्फ दो ही बतानी है, तो हम यहाँ लिख देंगे वस्त्र और फर्नीचर, जो मानव द्वारा बनाई जाने वाली वस्तु है, वो मानव निर्मित वस्तु है। नंबर पाँच, संजीव तथा निर्जीव वस्तुओं के कोई दो अंतर लिखने हैं। संजीव वस्तुएं और निर्जीव वस्तुओं में दो अंतर लिखने हैं, तो संजीव वस्तु और निर्जीव वस्तु में क्या अंतर हो गए? तो हम आंसर बताती हूँ आपको, संजीव वस्तुएं क्या होती हैं? वो गति कर सकती हैं, लेकिन निर्जीव वस्तुएं क्या है? वो गति नहीं कर सकती। संजीव वस्तुएं जैसे मानव है, वो संजीव वस्तु है, एक गुड़िया है, खिलौना है, वो है निर्जीव वस्तु है, तो दोनों में अंतर है ना, दोनों में फ़र्क है, क्योंकि मानव जो है वो सांस ले सकता है, लेकिन एक गुड़िया है जिससे हम खेलते हैं, लेकिन वो सांस नहीं ले सकती। एक अंतर तो हमारा ये हो गया। दूसरा हम देखेंगे कि संजीव वस्तुएं हैं, उन्हें जीवित रहने के लिए भोजन की, जल की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन निर्जीव वस्तुएं होती हैं, उन्हें खाने की आवश्यकता नहीं होती, वो बिना खाने के ही होते हैं।
तो हमें कितनी पूछे, दो अंतर पूछे थे, तो दो अंतर हमारे हो गए हैं कि वो श्वास नहीं ले सकते हैं और उन्हें भोजन की आवश्यकता भी नहीं होती। जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं वो श्वास भी नहीं ले सकती और सांस नहीं ले सकती और भोजन की भी आवश्यकता उन्हें नहीं होती और वो गति भी नहीं कर सकती। लेकिन संजीव वस्तुएं इसका उल्टा ही होता है कि संजीव वस्तुएं तो सांस भी ले सकती हैं, उन्हें भोजन की भी आवश्यकता होती है और वो गति भी कर सकती हैं। आज हमारा ये चैप्टर हुआ पूरा।